अंबिकापुर के नवापारा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसामक देखभाल केंद्र खोला गया है। यह सुविधा बड़े बड़े निजी अस्पतालों में भी नहीं होती है, बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों में इस इलाज के लिए लोग जाते हैं। दरअसल आमतौर पर शरीर में होने वाले गंभीर दर्द की बीमारी को इसमें ठीक किया जाता है। छत्तीसगढ़ में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। शहरी स्वास्थ्य केंद्र नवापारा यूनिवर्सल हेल्थ केयर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कीमोथेरेपी शुरू किए जाने के बाद अब यहां प्रशामक देखभाल केंद्र खोला गया है। विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ इसके लिए 5 बेड की व्यवस्था अलग से की गई है। इसका सारा खर्चा रेड क्रॉस सोसाइटी दे रही है। इस सुविधा के मिलने के बाद लोगों को बड़े शहर और महंगे अस्पताल से मुक्ति मिलेगी। देखिए, गैर संचारी रोग इकाई का ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसको हम पेन एंड पेलिएटिव केयर सेंटर के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे प्रशामक देखभाल केंद्र भी बोलते हैं। इस केंद्र की स्थापना हमने रेड क्रॉस सोसाइटी, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, यहाँ पे नवापारा में इसको स्टार्ट किया है। और इस देखभाल केंद्र से हमें जो भी पुराने दर्द के रोगी होंगे, क्रॉनिक जो पेन से परेशान हैं, या ऐसे रोगी जिनको ऐसा तकलीफ है जिनमें अब पैलिएटिव केयर की आवश्यकता है, उन लोगों का उपचार अब कराने के लिए उनको रायपुर, बिलासपुर, बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। अब उनका उपचार यहीं पे अंबिकापुर के नवापारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सक भी यहाँ पर रखा गया है। जल्द ही इस अस्पताल में अंबिकापुर के लोगों को ये सुविधा बहुत ही अच्छे ढंग से मिलने लगेगी। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।